ये आकाशवाणी है। अब आप मोहम्मद शफीक से खुसूसी बुलेटिन समाप्त फरमाइए। मुल्क भर में COVID-19 के मजीद 46,232 केस दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही मुतासरीन की जुमला तदाद 90,50,558 हो गई है। गुज़श्ते 24 घंटों के दौरान 564 अफराद की मौत वाक़ हुई। इसके साथ ही महलूकिन की तदाद 1,32,726 हो गई। वजारत सेहत ने बताया कि फ़ाल केसेस की तदाद अब 4,39,747 है। अब तक जुमला 84,78,124 अफराद रूबसैद हुए। रूबसैद होने वालों की शरह बढ़कर 93.67% हो गई है। ICMR ने बताया कि कल तक जुमला 13,06,57,808 नमूनों की जांच की गई। तेलंगाना में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान COVID-19 के 925 नए केस दर्ज किए गए। इसके साथ ही रियासत में मुतासरीन की जुमला तदाद 2,62,953 हो गई है। रियासत में अब तक रूबसैद होने वालों की कुल तदाद 2,49,157 तक पहुंच गई है। महकमे सेहत की जानिब से जारी किए गए बुलेटिन में कहा गया कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोविड और दीगर अमराज की वजह से मजीद 3 अफराद फौत हुए। इसके साथ ही महलूकिन की तदाद बढ़कर 1,426 हो गई। नेशनल कैडेट कोर, जो दुनिया भर में यूनिफॉर्म में मलबूस नौजवानों की सबसे बड़ी तंजीम है, अपना 72वां यौम तासीस मना रही है। यौम तासीस के सिलसिले में आज कौमी जंगी यादगार पर कौम के लिए जान की कुर्बानी देने वालों को खराज अकीदत पेश किया गया। महकमे दिफा के सेक्रेटरी डॉक्टर अजय कुमार और NCC के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा ने NCC बरादरी की तरफ से फूल चढ़ाए। डिफेंस सेक्रेटरी ने कहा कि NCC के कैडेट्स ने COVID-19 की वबा के दौरान कोरोना वॉरियर्स की हैसियत से बेलौस खिदमात अंजाम देते हुए वबा से लड़ने के लिए दरकार इकदाम के बारे में बेदारी पैदा की। मुमताज तेलुगु शायर और केंद्रीय साहित्य अकेडमी के अवार्ड याफ्ता शेख ख्वाजा हुसैन का मुख्तसर अलालत के बाद आज हैदराबाद में इंतकाल हो गया। वो देवी प्रिया के नाम से मशहूर थे। उनकी उम्र 69 साल थी और उनके पसमानदगान में 2 फर्जंदान शामिल हैं। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में जन्म लेने वाले देवी प्रिया ने कई अहम तेलुगु और अंग्रेजी रोजनामों में सहाफ़ी की हैसियत से खिदमात अंजाम दी। उन्होंने कई तेलुगु फिल्मों के लिए नगमे लिखे, जिसके लिए उन्हें अवार्ड्स भी हासिल हुए। वो 1970 की दहाई से तेलुगु अदबी तहरीकों से वाबस्ता रहे। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव और आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जगनमोहन रेड्डी ने देवी प्रिया की मौत पर अपने रंजमलाल का इजहार किया है। नलगुंडा जिले की पुलिस ने लापता अफराद का पता लगाने के लिए खसूसी टीम तश्कील दी है। सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस AV रंगनाथ ने जिले के पुलिस अहदेदारों को हिदायत दी कि वो लापता अफराद के मुकदमात पर तवज्जो दें। उन्होंने कहा कि महकमे ने हाईकोर्ट के हुक्म और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की हिदायत के बाद ये फैसला किया है। जिले में जुमला 75 अफराद लापता हैं। 2019 में 7 मुकदमात दर्ज हुए थे, जबकि इस साल अब तक 17 मुकदमात दर्ज हुए हैं। SP ने लापता अफराद के खानदानों और पुलिस अहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। तेलंगाना कांग्रेस कमेटी के सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि उन्होंने रियासती इलेक्शन कमिश्नर पार्थसारथी से दरख्वास्त की है कि वो GHMC के इंतखाबात आज़ादाना व मुनसिफाना अंदाज में मुनक्किद करें। रियासती इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात के बाद मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर की तवज्जो दोनों शहरों में मेट्रो रेल के सुतूनों पर सरकारी स्कीमों से मुतालिक आवेजा बोर्ड्स की जानिब मबजूल कराई। उन्होंने कहा कि TRS ने एक ऐसे वक्त, जबकि इंतखाबी जाब्ता अखलाक लागू है, सरकारी स्कीमों के इश्तिहार के लिए RTC बसों को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने BJP पर तनकीद करते हुए कहा कि वो कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स को पैसे का लालच दे रही है। उन्होंने कहा कि BJP को वोट मांगने का हक नहीं है, क्योंकि मरकज ने हैदराबाद की तरक्की के लिए कोई फंड फराहम नहीं किया है। हैदराबाद के सीनियर पुलिस अहदेदार GHMC इंतखाबात से कबल DRC सेंटर्स और पोलिंग के मराकज का दौरा करेंगे। पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने इस सिलसिले में IPS अहदेदारों को हिदायत जारी की हैं। कमिश्नर ने अपने हुक्मनामे में कहा कि सीनियर IPS अहदेदार सूरत हाल का जायजा लेने के लिए इन मराकज का दौरा करें। आकाशवाणी हैदराबाद से खसूसी बुलेटिन अब खत्म होता है।